को पार दिया घोटे ने मामा। मामा अभी क्या करना है मामा? ये देखो रो रहा है अभी। ये देखो दोस्तों तो अभी नहीं। हाँ वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड। लव तुम करो। हेलो सूरज भाई, किधर? वो काम जो है आज स्टार्ट करना है घर बनाने का। पहले तुम ट्रैक्टर भर के आओ। ट्रैक्टर भरने के लिए हम नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, हमको दूसरा बहुत सारा काम है। ट्रैक्टर भरने के लिए बाद में जाएंगे, पहले जो है कि दोस्तों इसमें करना है काम स्टार्ट। आधे से ऊपर हो गया है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। बाकी रोड जो है हो गया है कम्प्लीट, और आज लगभग आधे से ऊपर जो काम है वो आज हम निपटा देंगे भाई। कल के ब्लॉग में दोस्तों आपने देखा होगा जो कि हमारी एक गाय हेड पे थी, कहाँ पे गई वो किधर बांध दी पता नहीं उन्होंने। मथुर को आज छोड़ते हैं और गाय जो है कि हेड पे है। मथुर ने अगर आज ब्रीडिंग किया तो ठीक है, नहीं किया तो मथुर जी आपको आज शाम को यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ब्रीडिंग नहीं करेगा भाई तो कितना भी अच्छा बुल हो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर ब्रीडिंग किया तो ठीक है, नहीं तो आज के आज इसको छोड़ देंगे भाई यहाँ से। बबलू, ए बबलू, ये देखो, अरे ये वाली गाय हिट पे है। फाइनली जो है कि भाई दूसरा चांस दिया था अपना मथुर को, अब लेके आते हैं और दिखाते हैं। महेश भाई तू मिल्किंग करके आया, क्या बात है? मन न लगता तू किरण। सुरेश भाई ने मिल्किंग किया, तू सिर्फ बाल्टी उठा के आ गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो हम सब? आई होप आप सब मौज में। अगर मैं एकदम मौज में हूँ तो फाइनली जो है कि भाई आज जो है कि काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्दी भी फटाफट से काम जो है उसको निपटाएंगे। इधर फिलहाल जो है कि हरी भाई कर रहा है मिल्किंग। आज हांडू को इधर बांध दिया हरी भाई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि पहले हमारी जो जर्सी है वो बच्चा देने वाली थी, लेकिन अभी इससे पहले भी दूसरी गाय बच्चा देने वाली है। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये देखिए, डेट का प्रॉब्लम होता है, जब भी ब्रीडिंग करवाते हैं तब डेट नहीं लिखते हैं, दिखता है तब पता चलता है कि भाई ये बच्चा देने वाली है। महेश भाई इसको भी पशु आहार स्टार्ट नहीं किया ना? किया ना? ओके तो सही है, ये काम बढ़िया किया इन्होंने। ये तो हर बार बोलना पड़ता है दोस्तों। रात को जो है कि मैं 11:30 बजे जो है कि एंगल थोड़ी सी ठीक ठाक करके आ गया हूँ। रात को जो है कि 11 बजे तक मेरा काम चालू रहता है, फिर बाद में रात को 2:30 बज जाते हैं क्योंकि 2:30 बजे वीडियो एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि दिन भर काम चालू ही होता है। अभी जो है कि ये भर के मैं रात को आया हूँ। कितने बजे? रात को 11 बजे आया। ये पूरी एंगल जो है कि देखो, यहाँ टुकड़ा जो ज्वाइन किया है मैंने, और रात को 11 बजे आया हूँ दोस्तों, कंप्लीट 11 बजे। और ये भाई साहब जो है कि सुबह से उठ के ब्रश कर रहे हैं। भाई फटाफट से दूध दे के आ जाओ, अभी टाइम नहीं करना है, 15 दिन और लगेंगे, फटाफट से आ जाओ। चलो मैं नहीं आऊँगा। देखा ना दोस्तों, सीधा इसने मना कर दिया। फिर तुम बोलते हो कि इसको पीट देते हैं, पीट देते हैं। वागे हांगला ये नाम भाई नाम। देखा ना बोले दोस्तों, बड़े भाई को ऐसा कोई बोलता है क्या? दोस्तों ये देखो, ये पूरा फिर दुखता है मेरे को, 2 दिन दुखता है ये। इसके नाखून बड़े बड़े इसमें बैठा देता है। इसको हाथ लगा तो देख कैसा करता है। हमरा एक नाखून आडू पार दे। ये पर ये ना बना हां बांधो यार। रास्ता जो है कि भाई इसके ऊपर कल पानी छिड़क दिया था तो अभी रास्ता जो है कि एकदम बेस्ट हो गया। और भी इसके ऊपर अभी मिट्टी डालनी पड़ेंगे और अभी चलते हैं सीधे अंदर। तार जो है कि भाई हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो कांटे वाला तार जो आता है वो यूज नहीं करने वाले हो क्योंकि वो गाय को चोट लग सकती है। जब झगड़े होते हैं तब अगर किसी ने धक्का मार दिया तो तार पर गई तो उसको चोट पहुँच सकती है, तो तार जो है कि हम ये वाले यूज करने वाले हैं। यहाँ पर जो है कि भाई एक एंगल खड़ी कर दी है, मुरत जो है वो कर दिया है, यहाँ पे गड्ढे है, यहाँ पे हम रहने के लिए हमारा घर बनने वाला है। वाड़ा भी जो है कि एकदम सिस्टमेटिक किया है। ये देखिए एंगल लगा दिया है, इसके अंदर होगा वाड़ा, वहाँ से यहाँ ये पूरे एंगल लगा दिया है और ये पूरा जो है कि बनने वाला है वाड़ा। ये साइड से भी एंगल जो है कि पूरे लगा दिए हैं
पूरी साइड जो है कि एंगल लगा दिया है। इस बार जो है कि हम कांटा, जो अपने बबूल का कांटा होता है, उसका यूज़ नहीं करेंगे। इस बार जो है कि हम पूरा एंगल और तार का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है कि तार है, देख सकते हो ये वाला, एंगल के साथ जो है कि चार तार लगा देंगे। फिर यहाँ पे आएगा नेट, तो तार लगाने के बाद यहाँ पे जो है कि पूरा पैक हो जाएगा। तो ये साइड से दिखेगा भी नहीं अंदर गाय है या नहीं। पूरा जो है कि एकदम काम जो है वो सिस्टमेटिक होने वाला है। अभी यहाँ पे करना है गड्ढा, ये वाला टायर जो है यहाँ पे अंदर डालना है। फिर जो है कि इसको खींच के, इस वाली एंगल को खींच के इधर बांध देंगे ताकि सब एंगल को सपोर्ट मिल जाए। इसके वो साइड भी जो है कि हमने एंगल लगा दिया है। अभी ये साइड को पूरी एंगल लगानी है। ये पूरा जो एरिया है पूरे एंगल से एंगल लगा के ये वाली तार बांध के जो है कि पूरा कवर कर लेना है। फिलहाल सुरेश भाई जो है कि लेके गया है दूध, और आज ट्रैक्टर भरने के लिए नहीं गए हैं क्योंकि आज ये काम था। ये काम अभी तक बहुत लंबा चलने वाला है। ये साइड से भी जो है कि एंगल लगा दिया है हमने, और ये साइड सीधा वहाँ तक एंगल लगा दिया है। इधर से वाड़ा बनाना है, उधर भी एंगल लगा दिया है। अभी सिर्फ तार लगाना है और घर का काम स्टार्ट करना है। तो फाइनली सुरेश भाई आ गया है एक घंटे बाद लपटापट से। पूरी तार मैंने डाली। हाँ तू नहीं डाली, मैं क्या मना कर रहा हूँ। बोलता है दोस्तों आपको पता ही है सुरेश भाई ने डाली है, समझ लो। काम करवाना है तो मिठाई बोलना पड़ता है। जे मस्त नु गीत गाय ने एने मस्त पैकिंग गाम मा लई देन भाग लाई देओ है। आलो गा गा ओके ठीक है ओके। अब तू गा गा आँखों का आया लगा, मैं इतना ही आता है आँखों का। मैंने वो ना किया हुआ था। हाँ बे बे बंद ट्रैक्टर भरे हुए थे जा। चार पांच तार जो है कि लगा दिया है। अभी यहाँ पे आएगी पूरा जो है कि एक जाली आएंगी ताकि इधर से गाय भी नहीं दिखेंगे। वो देखो सामने जो है कि अपने ये देखो यही सी जाली आएंगी वैसी। तो यहाँ पे जो है कि अभी हमने छः तार लगाए हैं, ऑलरेडी कैमरे में कमी दिख रही है, लेकिन ये पूरा जो है कि बनने के बाद आपको दिखेंगे भाई एकदम परफेक्ट। दोस्तों तो मेरे को तबीयत बराबर नहीं आज। क्या हो गया आज? बुखार आ गया। चलो अभी फटाफट से छोड़ देते हैं भाई, वो गाय एक हीट पे है, मथुर को भी छोड़ना है। सुरेश भाई, अरे भाई कहाँ जा रहा तू? हाँ तो देख किया फटाफट से छोड़ो यार, तुम इतना काम, इतना धीमा धीमा तुम्हारा काम होता है ना भाई। ये वाली जो है कि गाय भाई हीट पे है, और ये मथुर जो है ना भाई अभी दूसरा मौका है। अगर इस बार तूने ब्रीडिंग नहीं किया तो भाई तुमको जाके छोड़ देंगे। गड्ढा पीट दे इसको। तुम क्या कर रहा? नहीं ब्रीडिंग करा। मेरी तबीयत बराबर नहीं, मेरे को बुखार आया नहीं, तो अभी क्या भी भर के छोड़ के आता मैं। शाम तक कोशिश करता, जो ब्रीडिंग नहीं हुई दो गाय हिट पे है, ये वाली है वो वाली, दोनों में से जो एक की ब्रीडिंग नहीं की तो शाम को तुरंत छोड़ के आएंगे इसको। फायदा क्या इधर रखने का? सही है यार, तेरे भी बात सही है। देखो ये गाय हिट पे है और ये के सामने का दूसरी का है। अरे भाई खाता बहुत है भाई, इतना खाता है भाई। क्या गधे की सरीखा यार, इतना बड़ा सांड होके कुछ काम का नहीं है। एक काम कर, गोटे वापिस लेके आ जाओ, और अभी गोटे छोड़ने के लिए मत जाओ, अभी इसको ही छोड़ के आओ। एक काम करो, अभी इसको छोड़ के आओ, मथुर जो है उसको छोड़ दो और गोटिया ऑफिस लेके आ जाओ। इस गोटिया के बिना अपना उद्धार नहीं है। जबरदस्त वाली फाइट होती है, गोटिए के गड्ढे के जबरदस्त वाली फाइट होती है। हाँ इसकी वजह से गोटिया भी नहीं ला सकती। नहीं पहले छोड़ के आए, अभी गोटे को गुस्सा आ गया है। दोस्तों गोटिया की और गड्ढा की जो फाइट हुई है भाई एकदम अलग नेक्स्ट लेवल की, भाई एकदम जबरदस्त वाली फाइट हुई है। देखा ना आपने दोस्तों, अभी आप बोलोगे इतना गुस्सा आ रहा है ना दोस्तों, कसम से कितना गुस्सा आ रहा है भाई। फालतू में मेरा खर्चा हो गया, फालतू में। इसको कोई मौका बोट का नहीं देने का भाई, इसको छोड़ के आओ। फाइनली जो है कि भाई इसको छोड़ के आएंगे, नहीं चाहिए, छोड़ के आओ इसको, निकालो इसको, निकालो, निकाल दो ऐसे। गड्ढा गड्ढा जो है कि भाई हमारा ब्रीडिंग नहीं करता, बुढ़ा हो गया है। नहीं तो भाई गड्ढा गड्ढा था यार, लेकिन अभी क्या है गड्ढा जो है कि बुढ़ा हो गया है, तो इसकी वजह से आया जो है कि फिर यहीं से बुल लाने पड़ रहे हैं। इतना अच्छा बुल है और
ब्रीडिंग नहीं कर पाए वो। दो गाय हिट पे है दोस्तों, अभी दो गाय, और इतना अच्छा दिखने वाला ये बुल गधा है। सूरज भाई बोल रहा है अभी उसको गधा बोल दिया, उसको बुरा लगेगा, वो चला जाएगा। क्या हुआ? बुखार आ गया। अभी जो है कि हॉस्पिटल में जाके एक इंजेक्शन लगवा के आया है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। देखो उसके आँख में से आंसू आ रहे हैं, और देखो दोस्तों ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों इसको क्यों नहीं आती है गाय में? उसको उसको उसके आँख में, उसके आँख में से पानी आता है तो तुरंत मेरे आँख में से पानी आ जाता है। झूठ बाता करता है। देखो देखो आपको दोस्तों दिख रही है, देखो ये देखो रो रहा है अभी, वो अंदर से रो रहा है, अंदर से रो रहा है वो। अभी जो है कि भाई अपन ये लेके आएंगे, गोटिया लेके आएंगे और ब्रीडिंग करवा के लेंगे, और उसको अभी देखते हैं, नहीं तो आज शाम को जाके, जब टाइम तो मिलने वाला है नहीं, अभी जैसे ही टाइम मिलेगा उसको जाके छोड़ के आएंगे भाई। अरे भाई गड्ढा जो है तू तेरे साथ में लेके जा। थुर तो अभी छोड़ो इसका, छोड़ो ही अभी ये मथुर तो गया। ऐसा है अभी वो लेके आओ, ये लेके आओ, दोस्तों इतना परेशान किया है ना ऑलरेडी, हमें काम इतना है और ये अभी बीच में आ गया है। फिलहाल जो है कि मैं और महेश भाई जा रहे हैं गोटियाँ लेने के लिए। गोटियाँ जो है कि भाई सब चले गए हैं, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं गोटियाँ घर पे ही बांध के रखो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि अगर आज भी लेट हो गए तो ऑलरेडी दो गाय हिट पे है, दोनों गाय जो है वो हिट छोड़ देंगे। पर मामा ने अभी तक जो है कि उनका बोलेरो जो है उसकी बॉडी कट नहीं की है भाई। ये गाय जो है कि पोपट मामा को बहुत परेशान करती है, तो पोपट मामा जो है कि इसको घर घर को ही बांध के चले जाते हैं। चल महेश भाई फटाफट से, ये गाय सब जो है कि अभी चले गई है चरने के लिए, और ये भाई साहब को जो है कि यहीं पे बांध के गए हैं, अभी इसको छोड़ के चलते हैं घर पे लेके। भाई तेरे अलावा भाई कोई काम में नहीं आता है तुझे, तेरी हमें सख्त जरूरत पड़ी है। महेश भाई छोड़ दे, वो मामा की रस्सी है, ले 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 यार, कोई दिक्कत नहीं है, ले ले उठा ले। हल हल हल, इसकी और गड्ढा की इतनी जबरदस्त वाली फाइट हो गई है भाई, उसका ब्लॉग जो है आने वाला है भाई। आज तक जो है कि ऐसी फाइट कभी हुई ही नहीं, वो ब्लॉग आने वाला है। जो है कि भाई इसको छोड़ने के लिए जाना ही नहीं है, अभी जो है कि भाई इसको इधर ही रखना है, मथुर को जाके छोड़ दो भाई, तुरंत तुरंत मथुर को जाके छोड़ दो। गड्ढा अभी बुढ़ा हो गया है, अभी तो ये उठा के पटकेगा ही ना उसको, वो देखो कैसा, देखो गड्ढा को ऐसा कर रहा है दोस्तों। इसका पिछले वाला सीन जो है वो आपको पता नहीं है, वो व्लॉग जो है कि कल आ जाएगा भाई, अलग लेवल का है भाई, जिसमें पहली बार जो है कि भाई अपना गोटिया ने जो है कि भाई गड्ढा को इतना बुरा बुरा पीट दिया है भाई कि पूछो मत। अभी देखते हैं अगर वो व्लॉग, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम के कारण वो अपलोड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई उसमें मारामारी बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी और गड्ढा की, फिर भी देखते हैं। मथुर मथुर रहने दे भाई, गोटिया ने कल गड्ढा को पटक दिया है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है भाई, रहने दे छोड़ दे। वो देखो अभी गोटिया जो है ना भाई गड्ढा को ढूंढ रहा है, खतरनाक वाली इनकी फाइट हो गई थी भाई कल, के क्या ही बताया आपको। इसको उठाओ चलो जल्दी। हाँ मेरी तबीयत बरोबर नहीं, थोड़ी देर से मैं मामा को फोन करता हूँ, मैं आज गाय में नहीं जाने वाला हूँ, मैं घर पे रहने वाला हूँ, और मथुर की जिद भी रहेंगे मेरे को फोन कर, तुरंत मामा गाड़ी लेके उधर आता, फिर भरता और छोड़ के आता। तो छोड़ के आना उसको, नहीं अरे नहीं यार आज बहुत काम है, दो चार दिन रहने दे अभी ऐसे भी, अभी दो चार दिन ऐसे भी रहने दे, पूरा काम अभी बहुत सारा काम बाकी है भाई, सब मैनेज नहीं हो गया भाई। दोस्तों पूरे सुबह आज 5 बजे से भाग दौड़, अभी तक जो है कि भाग दौड़ ही भाग दौड़ है, अभी फटाफट से इनको छोड़ देते हैं चलो। अभी जो है कि भाई गड्ढा और गोटिया दोनों साथ में नहीं रह सकते, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, एक तो अभी गोटिया को गड्ढा का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कल का व्लॉग देखोगे खुद बोलोगे कि भाई ये क्या हालत हो गई, गड्ढा की इतनी बुरी बुरी हालत कर दी, और एक लड़ाई नहीं हुई, बहुत सारे बुल की और भैंसे की लड़ाई हुई है। बट मामा के पास जो बुल है उसकी, गड्ढा की, गोटिया की, 2 भैंसा 3 बुल, भाई कल के व्लॉग में लड़ाई ही लड़ाई है, और वो भी खतरनाक वाली लड़ाई है, एडिटिंग के ऊपर आधारित है, देखते हैं अभी एडिट हो गया तो कल आ जाएगा। महेश भाई ध्यान रखना, लड़ाई ना करे। महेश भाई अकेला जा रहा है, थोड़ी देर जो है कि भाई को बोला थोड़ा आराम कर ले, तो भाई उसको जो है कि थोड़ा सा बुखार आ गया है। देखो वीडियो में कभी कभी मस्त भी चलती है, बाकी भाई भाई होते हैं भाई।
ये एंगल जो है कि कल रात को हम बना के लाए हैं, ये पाइप जो है कि अभी चारों पाइप वापस लेके जाके उसको जो है कि होल करना है। टाइम दोस्तों इतना नहीं है, कसम से बोलता हूँ इतना टाइम नहीं है। ए चले बबली भाग भाग, जो एंगल है भाई उसको यहीं पे फेंक देते हैं, पाइप जो है वही लेके जानी है। पाइप जो है वो डाल दिया है, पाइप जो है वो डाल दिया है, अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं वेल्डिंग के दुकान पे और वेल्डिंग करके फिर से घर पे ले जाएंगे। शाम को जो है कि फिर अभी मकान का काम स्टार्ट करना है। तो फिलहाल जो है कि भाई अभी जा रहा है महेश भाई अकेला गया, क्योंकि सुरेश भाई को आया था बुखार तो अभी वो गया घर पे, मेरे साथ ही था। लड़ाई तो भाई आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेंगे एकदम अलग लेवल की। चलो अभी चलते हैं घर पे। आज शाम को जो है कि भाई यहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे रहने के लिए करना है, पहले मैंने आपको बता दिया है। अभी जो है कि सुरेश भाई बुखार थोड़ा कम हुआ नहीं हुआ? सुबह जो है कि भाई सुरेश भाई की आँख में से पानी आ रहा था, मेरे को बहुत बुरा लगा। अरे तो फिलहाल जो है कि भाई दूध वाली गाय जो है वो आ गई है भाई पूरी, अभी जो है कि अपनी भूरी भाई फुल्ली रिकवर हो गई है। जब से मथुर लेके आया तब से गड्ढा जो है कि दूध वाली गाय में जाता है, गोटिया और मथुर दोनों गए हैं बिना दूध की गाय में। और यहाँ पे है गोटिया, गाय जो है कि हिट पे है वो साइड की जो है कि सुरेश भाई ने बांध के रखी है, उसको बांध दिया है। और गड्ढा पता नहीं कहाँ पे, गड्ढा गया उधर, गड्ढा बच गया ऐसा समझो भाई, गड्ढा जो है ना वो बच गया, क्योंकि व्लॉग देख के आप ही बोलोगे भाई क्या हुआ है। इतनी खतरनाक वाली फाइट जो है कि आज तक कभी हुई नहीं, गड्ढा जो है कि भाई आप खुद देख लेना भाई इसका नाटक देखो भाई, नाटक देखो इसका इसको कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है मर गए। जाते नहीं तुरंत बैठ जाते बांधने के लिए, लेके जाते। हाँ मथुर कहाँ गया? ये देखो दोस्तों अपन का एक नंबर काबूल, फार्म काबूल है दोस्तों, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन ये फार्म काबूल है, फार्म में से फिर झुंड में आया था। और देखिए कतई शानदार बूल है लेकिन गधा है, कुछ काम का नहीं है, गधा फ्री में खाता है। तू चल ले क्या रहे इधर, अगर तेरे गोटिया के पास मत जा, गोटिया ने कल गड्ढा को मार दिया तो तेरे को छोड़ेंगे। अरे चल आगे आगे चल, इधर को चल। दोस्तों गाय हीट पे होती है ना उसके पास ही नहीं जाता, इतना तो गधा है वो।